नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आपकी अपनी दुकान है या शोरूम है और वो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, यानी एक कॉर्नर में नॉर्थ आता है और दूसरे कॉर्नर में वेस्ट आता है। ऐसे में नॉर्थ वेस्ट फेसिंग यानी वायव्य दिशा की आपकी दुकान या आपका अपना शोरूम बनता है। आपकी दुकान अपनी है या किराए की है, जो आज मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। आपकी दुकान में, आपके शोरूम में काम अच्छा नहीं चल रहा तो छोटे छोटे उपाय करने से मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ आपकी जो अपनी वर्किंग है वो बेहतर हो जाएगी, प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, काम भी बहुत बढ़िया चलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आप अपने दुकान के, अपने शोरूम के बाहर के भाग को चेक करें। हमेशा ध्यान रखें, यदि आप अपनी नई दुकान खोलने जा रहे हैं या नया शोरूम बनाने जा रहे हैं तो वो रोड के लेवल से, सड़क के लेवल से ऊंची होनी चाहिए। यदि आप अपनी दुकान या शोरूम मॉल के अंदर खोल रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खोल रहे हैं, तो उसमें भी जो कॉरिडोर होता है, जो रास्ता होता है, उससे आधा इंच, एक इंच के करीब ऊँची होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके फ्रंट के भाग के, यानी जो आपकी दुकान के बाहर का भाग है, सिर्फ वहाँ की वास्तु के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। उसके लिए आपको करना क्या है, आप अपनी दुकान से बाहर के भाग को चेक करें, यानी आप अपनी दुकान के बाहर खड़े हो जाएं और अपनी दुकान को देखें। उसमें सबसे पहले आपने क्या देखना है, जब आप अपनी दुकान में अंदर जाते हैं तो आपने बाहर स्टेप जो बनाए हुए हैं उसके ऊपर जो पत्थर लगा हुआ है उसका रंग क्या है। यदि आपके यहाँ स्टेप नहीं बने हुए, सिर्फ फुटपाथ है, तो उसके ऊपर भी आपने चेक करना है। वहाँ पर जो टाइल्स लगी हुई है उसका रंग क्या है, उसको चेक करें। उसके बाद देखें जो आपका शटर है, उस शटर के ऊपर आपने रंग कौन सा किया हुआ है। उसी के साथ में जो आपका एलिवेशन बनता है, यानी शटर के लेफ्ट और राइट में जो कोने बनते हैं, जो कॉलम बनते हैं, उसके ऊपर रंग क्या है, और जो आपकी दुकान का, आपके शोरूम का जो मत्था बनता है, जो फ्रंट का भाग बनता है, उसके ऊपर आपने रंग कौन सा कराया हुआ है। इसी के साथ आपने अपनी दुकान के बाहर, शोरूम के बाहर अपना नाम लिखवाया हुआ है, या अपने शोरूम का, अपनी दुकान का नाम लिखवाया हुआ है, या आपने किसी कंपनी से फ्रेंचाइजी ली हुई है और आपने उसकी ब्रांडिंग की हुई है, तो उसके अंदर कलर कौन कौन से हैं उसको चेक करें। आपकी अपनी दुकान या शोरूम वायव्यमुखी यानी नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है तो उसमें जो रंग आने चाहिए, जो कलर आने चाहिए, वो कलर हमेशा ही स्काई ब्लू कलर, वाइट कलर, ग्रे कलर, ब्लैक कलर, सिल्वर कलर, सिर्फ यही कलर आपके यहाँ फ्रंट के भाग में ही आने चाहिए। इसके अलावा यदि कोई और दूसरे कलर आपके यहाँ है तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ जो वर्किंग है वो वर्किंग अच्छी नहीं होगी। आपके यहाँ भले ही वर्किंग अच्छी हो लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है वो गलत जगह वेस्ट हो जाता है। उसमें आपकी जो परचेजिंग है, या तो वो परचेजिंग महंगी होती है, या 4 दिन आपका काम बहुत बढ़िया होता है और 5 दिन आपका काम हल्का रह जाता है, उसमें जो एवरेज है वो एवरेज टोटल माइनस में चली जाती है या नो प्रॉफिट, नो लॉस में रह जाते हैं। ऐसे में आपने करना क्या है, जो कलर मैंने आपको बताए हैं ये कलर अपनी दुकान में, अपने शोरूम के बाहर के भाग में कराते हैं तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। आपने जो आपका पायदान है, जो फुटमैट है, उसका जो रंग होना चाहिए या तो स्काई ब्लू कलर होना चाहिए, या ग्रे कलर होना चाहिए, या ब्लैक कलर होना चाहिए। जो आपका अपना शटर है उसके ऊपर स्काई ब्लू कलर का पेंट हो, या ब्लैक कलर हो, या ब्लू हो, या ग्रे कलर हो, या सिल्वर कलर हो। इसी के साथ जो एलिवेशन है, एलिवेशन के अंदर भी आपने यही कलर इस्तेमाल करने हैं। फ्रंट में जो आपने अपना नाम लिखवाया हुआ है, या बोर्ड लगाया हुआ है, या होल्डिंग है, या कंपनी की ब्रांडिंग है, उनको भी आपने इन्हीं कलर से तैयार कराना है। सिर्फ आप ये छोटे छोटे काम अपने यहाँ कर लेते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी अपनी दुकान है या शोरूम है अच्छा नहीं चल रहा। ये काम करने से आपकी अपनी दुकान या शोरूम बहुत ही बढ़िया
चलने लगेगा। सिर्फ ये छोटे छोटे उपाय आपने अपने यहाँ करने हैं। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।